से लुकड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आईज एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. देन उसके बाद क्या होता है कि वो उस मैन की तरह बहुत ही दया भाव से बोल सकते हैं, अगर हमको किसी पे बहुत ज़्यादा तरस आया तो कौन सा फीलिंग होती है, यस एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं कंपेंसनेटली मीन्स दयापूर्वक. तो वो उसकी तरफ दयापूर्वक देखने लगती है, उसकी जो आँखें रहती हैं वो आंसुओं से भर जाती है. फिर वो नोटिस करती है कि वो जो मैन है, वो जो वैगाबॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, सी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन. देन वो सोचती है कि एडला सोचती है कि वो जो पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि या तो वो कहीं जेल से भाग करके आया है या तो उसने कोई भी चीज़ चोरी की हुई है. फिर वो तुरंत ही ये बोलती है कि आप श्योर रहिए, मीन्स एकदम बेफिकर रहिए कैप्टन, कि जिस तरीके से आप फ्रीली यहाँ आए थे वैसे आप वापस भी जा सकते हैं. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. फिर वो बोलती है कि आप सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस ईव तक, क्रिसमस की इवनिंग तक ही साथ में रहिए. सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर. और जो एडलर रहती है वो इतनी फ्रेंडली मैनर में उनसे ये सारी बातें करती है कि जो वो रेड ट्रैप पेडलर होते हैं ना, उनको अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और मे बी वो अब एग्री होने लगते हैं कि शायद उनको एडला के साथ उसके घर चले जाना चाहिए. इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ, मिस ही सेड आई विल कम एट वंस. फिर वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है, कि जो वो एडला है वो एडला से कह रहे हैं, रेड ट्रैप पेडलर मीन्स वो वैगेबॉन्ड एडला से कह रहे हैं कि आपने मेरी वजह से खुद को इतना परेशान किया है, मीन्स वो इतने देर से उनको कन्विंस कर रही है इतनी फ्रेंडली मैनर से, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी वजह से आपने खुद को इतना परेशान किया है, मैं एक बार तो आपके घर ज़रूर आऊँगा. मीन्स वो फाइनली अब एग्री हो जाते हैं उनके घर जाने के लिए. ओके, ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. वो जो कोट रहता है उसको वो ले लेते हैं वैलेट मीन्स सेवक के हाथ से, उसका सर झुका हुआ रहता है. देन वो उस यंग लेडी मतलब एडला के पीछे पीछे चले जाते हैं. वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश मीन्स चकित हो जाता है कि उसने जाते समय एक बार उसको पलट कर भी नहीं देखा. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉर बेडिंग्स, लेकिन जब वो उस मैनर हाउस की तरफ जाते रहते हैं मीन्स एडला के घर जब वो जाते रहते हैं तो उनको रियलाइज होता है, उनका एहसास होता है एविल फॉर बिडिंग मीन्स कुछ ना कुछ तो बुराई, ठीक है, पूर्वाभास जो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ बुराई तो अब होने वाली है. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. देन वो सोचते हैं कि उसने उनका मनी उसका पैसा क्यों लिया हुआ था. अब वो ये सोचते हैं कि अब वो एक ट्रैप में एक जाल में बैठ चुके हैं जिसमें से वो अब कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये क्रिसमस ईव क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल क्रिसमस का दिन है तो आज का जो शाम होगा मीन्स वो हमारा क्रिसमस ईव होता है मीन्स क्रिसमस इवनिंग. तो अब अगले दिन जो रहता है अगला दिन वो क्रिसमस ईव का रहता है. जो आयरन मास्टर रहता है वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आ जाता है और सडनली ये सोचने लग जाता है, शायद ये ऐसा सोचता है वो, सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. मीन्स वो जो आयरन मास्टर रहता है उसको वो अपने रेजिमेंटल कॉमरेड मीन्स उस वैगेबॉन्ड के बारे में सोचता है कि उसने अनएक्सपेक्टेडली मीन्स कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी अपने उस कॉमरेड अपने उस साथी से मिल भी सकता है उनका और
बोल सकते हैं आयरन मास्टर का मिलना क्या था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली था, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही शेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट दैट टेबल. और सबसे पहले जो आयरन मास्टर रहते हैं वो अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से कहते हैं कि सबसे पहले उनको क्या काम करना है, तो उनके बोन्स पे उनको फ्लैश लाना है. मीन्स उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थीन है, जिसके वजह से उनकी हड्डियाँ नज़र आती है, बोन्स नज़र आते हैं, तो उनके बोन्स में फ्लैश मीन्स मांस लेकर के आना है, मीन्स उनको थोड़ा सा हेल्दी करना है. वो अपनी डॉटर से कहते हैं और उनकी डॉटर टेबल पे बिजी रहती है, मीन्स कुछ काम करते रहती है. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. फिर वो ये सोचते हैं कि पहले तो वो उनके बोन में फ्लैश ले आएंगे, देन उसके बाद वो उनके बारे में ये सोचते हैं कि उनको कुछ काम करने के लिए उनको ढूंढना पड़ेगा, ताकि वो अपने कंट्री पे सेलिंग रैट ट्रैप्स का काम ना करें. इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. फिर उनकी बेटी रिप्लाई करती है कि ये बहुत ही क्यूअर है, मीन्स बहुत विचित्र है कि उनके लाइफ में उनके साथ सारी चीज़ें डाउन हिल पे, मीन्स बहुत ही बुरी हो गई. लास्ट नाइट आई डिडेंट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. उसके बाद जो उनकी बेटी रहती है वो ये भी कहती है कि जो लास्ट नाइट में, मीन्स रात पे उसने ये सोचा कि उनके अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, उस कैप्टन जिनको वो कैप्टन समझ रहे हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो ये शो करे कि वो एक्चुअल में एक एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड मैन है. यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फिर उसके फादर बोलते हैं कि तुमको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. फिर उसके फादर उसको बोलते हैं कि जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, मीन साफ़ सुथरा हो जाएगा, खुद को साफ़ सुथरा कर लेगा, अपने बॉडी को, अपना ड्रेसिंग मीन्स वो जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए रैक पहने हुए उसको चेंज करके वो अच्छा कपड़ा पहन लेगा, तो तुम किसी नए इंसान को देखोगे, किसी अलग इंसान को देखोगी. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. फिर उसके फादर बोलते हैं कि कल रात को तुमने देखा होगा कि वो खुद embarrassed था, मीन शर्मिंदा था. क्यों? क्योंकि उसके tramp manners किसके वजह से थे, तो उसके tramp clothes की, मीन्स उसके फटे पुराने कपड़ों के वजह से क्या था, उनका व्यवहार ऐसा था. ऐसा उसके फादर अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करने लगते हैं. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. अब क्या होता है, जैसे उन लोग बात करते रहते हैं उसी टाइम पे दरवाज़ा खुलता है और वो स्ट्रेंजर मीन्स वो अजनबी जो वैगेबॉन्ड रहता है वो अंदर आ जाता है. फिर वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है और अच्छे कपड़े भी पहने रहता है. जो वहाँ वैलेट रहता है मीन्स जो उनका सेवक रहता है, वो उनको अच्छे से बाथिंग नहला देता है, उनके बाल को काट देता है और उनकी शेविंग भी कर देता है. तो मीन्स वो पूरे तरीके से अब क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर नीट एंड क्लीन पर्सन हो जाते हैं. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेस विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. और वो जो गुड लुकिंग जो सूट पहने रहते हैं, एक्चुअल में वो सूट किन का रहता है, तो येस वो रहता है आयरन मास्टर का एक बहुत ही अच्छा सूट रहता है, जो कि वाइट कलर का उनका शर्ट रहता है, उसके ऊपर में स्टार्च्ड कॉलर रहते हैं, चौड़े चौड़े कॉलर रहते हैं, और वो शूज़ भी वियर किए हुए रहते हैं, जूते भी पहने रहते हैं. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नॉट सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड. अब जैसे ही जो उनका गेस्ट रहता है मीन्स वो वैगेबॉन्ड उनका मेहमान रहता है, वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, तो अब जो आयरन मास्टर रहते हैं वो प्लीज्ड नहीं सीम कर सकते. और ऐसा क्यों होता है? ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट When he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance.
और वो प्लीज्ड सिम क्यों नहीं करना चाहते थे, वो इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जब वो उनकी तरफ देखते हैं, मीन्स जो आयरन मास्टर रहते हैं वो जब उस वेगेपॉन्ड की तरफ देखते हैं तो बहुत ही वो पकड़ ब्रो से देखते हैं, मीन्स बहुत एंगर लुक से। अगर हम किसी को एंगर लुक से देखेंगे, मीन्स गुस्से से देखेंगे, तो अगर हमारा आईब्रो ऊपर हो जाता है, मीन्स हम कौन सा लुक दे रहे हैं, पकड़ ब्रो लुक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत गुस्से से उसको देखने लग जाते हैं। अब आप लोगों को तो समझ में ही आ गया होगा कि गुस्से से क्यों देख रहे थे। यस, एग्जैक्टली। अब वो बहुत आसानी से ये बात को समझ जाते हैं कि जब वो रात को उस अजनबी इंसान से मिले रहते हैं तो उस टाइम पे क्या था, उस फर्नेस का रिफ्लेक्शन मीन्स कम लाइट में मिले रहते हैं, और जैसे ही तो उनसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है पहचानने में उस अजनबी इंसान को। और जैसे ही वो देखते हैं उसको दिन के उजाले में, एक परफेक्ट ड्रेस में बोल सकते हैं, वेल ड्रेस्ड में, तो उनको पता चलता है कि अब वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उस ओल्ड एक्वेंटेंस मीन्स जिसको वो समझ रहे थे एक्चुअल में वो नहीं होता है, इस चीज़ को पहचानने में अब उनसे मिस्टेक नहीं होता। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। और वो थंडरिंग से मीन्स बहुत ही गुस्से से गरजते हुए चिल्लाने लगते हैं, इन सब का क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, He saw at once that the splendor had come to an end. अब जो स्ट्रेंजर रहता है, मीन्स वो वैगेबॉन्ड जो रहता है, अब उसके पास कोई भी डिसिमुलेट मीन्स टू हाइड समथिंग, कुछ भी चीज़ को छुपाना, मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, डिसिमुलेट कर रहे हैं। तो अब तो उसकी सारी सच्चाई तो सामने आ गई थी, तो उसके पास ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं था जिसको वो हाइड कर सके। अब वो देखता है कि जो उसको स्प्लेंडर मिल रहा था, स्प्लेंडर मीन्स अ ग्रैंड ट्रीटमेंट, जो उसकी मेहमान नवाजी की जा रही थी, अब वो समाप्ति पे आ गई, अब वो ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। फिर वो रिप्लाई करता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. अब वो ये कहता है कि मैंने कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी ऐसा दिखाया नहीं कि मैं आपका, बोल सकते हैं कि मैं आपका कॉमरेड, yes, कि मैं आपका रेजिमेंटल कॉमरेड हूँ। मैंने तो हमेशा से खुद को पुअर ट्रेडर ही दिखाया है, और मैंने आपसे प्लीड किया था, मीन्स मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट किया था, मैंने आपसे ये बैक किया था, मैंने आपसे भीख मांगी थी कि मुझे आज की रात इस फॉर्ज में रुकने की आप परमिशन दे दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन वो कहता है कि अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। At worst, I can put on my rags again and go away. Well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. फिर वो बोलता है कि अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं ये कपड़ा, जो उनका कपड़ा वो कोट पहने रहते हैं, उसको वो उतार देगा और अपने रैक्स मीन्स अपने फटे पुराने कपड़े वापस से वो पहन करके यहाँ से चले जाएगा। ये सुनने के बाद जो आयरन मास्टर हैं वो रिप्लाई करते हैं थोड़े से हेजिटेट होकर, हिचकिचाते हुए, कि तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं हो, इतने भी ईमानदार नहीं हो। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Here, sheriff means the police officer. Police officer को यहाँ पे sheriff कहा गया है, okay? तो वो reply करते हैं iron master, कहते हैं कि तुम इतने भी honest नहीं हो जितने कि तुम अभी बन रहे हो, means वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो reply करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी हैरानी नहीं होगी कि अगर वो sheriff आ जाए, मीन्स अगर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इस मैटर में अगर वो कुछ भी बातचीत करना चाहे, तुमसे मिलना चाहे, तो मुझे इस बात से सरप्राइजिंगली मीन्स हैरानी नहीं होगी। द मैटर, ओके, प्रीवियसली पेज, लाइक टू से समथिंग इन द मैटर। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। अब ये सुनने के बाद जो वो ट्रैम्प रहता है, मीन्स जो वो वैगेबॉन्ड रहता है, वो थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाता है और अपने फिस्ट मीन्स अपनी मुट्ठी से वहाँ पे रखे हुए टेबल पे ज़ोर से वो क्या करता है, पंच करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब जैसे उसको गुस्सा आता है, वो आगे जाता है, टेबल पे अपना मुट्ठी पंच करता है और कहता है कि अब मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या हैं।
फिर वो बोलता है कि ये पूरी दुनिया जो क्या है एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंस एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल. ये जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे आसपास में जो हमको ऑफ़र करती है वो और कुछ भी नहीं है. फिर वो कंपेयर करता है कि सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में क्या है, चीज़ राइंड है, ठीक है, जो पनीर का जो पपड़ी होता है, टुकड़ा होता है वो, एंड बीट्स ऑफ पॉर्क, पॉर्क मीन्स अ पीग ऑफ मीट. तो वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें चीज़ राइंड्स है, बीट्स ऑफ पॉर्क है, जो कि एक गरीब आदमी को परेशानी में, मुसीबत में धकेल देता है. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught into the trap. उसके बाद वो कहता है अगर यहाँ पे शेरिफ मीन्स अगर यहाँ पे पुलिस आ भी जाता है और मुझे लॉकअप में बंद भी कर देता है तो आप आयरन मास्टर इस बात को याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप खुद एक बहुत बड़े पीस ऑफ पॉर्क में मीन्स एक बहुत बड़े लालच में आप खुद फंस जाएंगे और वो आपके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा, जाल होगा. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और उसके इस बात को सुन करके जो आयरन मास्टर रहता है वो लाफिंग मीन्स हंसने लग जाता है. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. और उसके बाद जो वो आयरन मास्टर रहता है वो कहता है कि जो भी तुमने कहा है ये कोई गंदे तरीके से नहीं कहा है. फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, इस क्रिसमस ईव पे हम उस शेरिफ को अकेला छोड़ देते हैं, मीन्स उसको हम यहाँ पे नहीं बुलाते हैं. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके तुम यहाँ से चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टूडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो. लेकिन जैसे ही वो मैन वो जो वैगाबॉन्ड रहता है वो दरवाज़ा खोलने लगता है वहाँ से जाने के लिए, तो उनकी बेटी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप यहाँ से चले जाइए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर. इतना कहने के बाद जो उनकी डॉटर रहती है वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो वैगाबॉन्ड उनके घर से चले जाएं. फिर उसके फादर पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. वो जो उनकी डॉटर रहती है, उनकी बेटी रहती है, बहुत खामोशी से बोल सकते हैं शर्मिंदगी के साथ खड़े रहती है. उसको नहीं पता होता है कि उसको अपने फादर को क्या आंसर करना है. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रज. और वो बोलती है कि उस सुबह की बात है जब वो ऐसा हैप्पी मीन्स वो बहुत खुश हो रही थी. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसका घर है वो एक होम लाइक मीन्स अब उसका घर रियल में घर जैसा लग रहा है और जो उसका घर है वो एक क्रिसमसी मीन्स वहाँ क्रिसमस का माहौल बना हुआ है. इसलिए वो नहीं चाहती कि जो ये पुअर हंग्री मैन है मीन्स वो जो वैगाबॉन्ड है वहाँ से जाए क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बना रही थी. ठीक है, टू द पुअर हंग्री रैच. रैच मीन्स अ डिसफॉर्चुनेट पर्सन, जो जिसका सौभाग्य अच्छा नहीं होता, जिसको यहाँ पे किसको बोला गया है, वैगाबॉन्ड को बोला गया है. ओके, सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. और उसको ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मीन्स वो ये आइडिया से भागना नहीं चाहती थी बोल सकते हैं कि जो उसने सारे प्रिपरेशन किए थे अपने क्रिसमस ईव के लिए, तो वो नहीं चाहती थी कि एक ही बार में जो उसका ये आइडिया है वो फ्लॉप हो जाए, हम ये कह सकते हैं. इसलिए उसने उस वैगाबॉन्ड को वहाँ इंटरसेडेड मीन्स बीच में कुछ कहना, तो इसलिए उस वैगाबॉन्ड के लिए उनकी डॉटर ने बीच में ये कहा कि हमको उस वैगाबॉन्ड को यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए. I am thinking of this stranger here, said the young girl. फिर वो कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ.
He walks and walks the whole year long, and there is a probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. फिर वो कहती है कि ये जो वैगेबॉन्ड है वो बस चलते ही रहते हैं पूरे साल, सिर्फ वो बहुत लंबे दूरी तक वो चलते रहते हैं, लेकिन शायद इस पूरे होल कंट्री में, इस पूरे होल कंट्री में एक भी दिन या फिर एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जिस जगह में उनका वेलकम किया गया हो, उनको स्वागत किया गया हो और उनको अपने घर के जैसा कभी महसूस हुआ हो. फेयर एवर He turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. Wherever he turns, he is chased away. Means वो जहाँ से भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे उनको भगा ही दिया जाता था. हमेशा उनके अंदर इस बात की डर रहती थी कि कहीं उनको अरेस्ट ना किया जाए, कहीं उनका जांच पड़ताल ना किया जाए, उनको क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए. आई शुड लाइक टू हैव him enjoy a day of peace with us here just one in the whole year. फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट एक दिन हमारे साथ क्या करे, enjoy करे. कम से कम पूरे साल में एक दिन तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए. Then the iron master mumbled something in his beard. Mumbled means कुछ बड़बड़ाना, कुछ कहना लेकिन लोगों को क्लियर सुनाई ना देना. तो वो जो आयरन मास्टर था अपने बीएड के अंदर से ही क्या कर रहा था, मम्बलिंग करने लग रहा था, मतलब कुछ कह रहा था. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यूड. कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसका विरोध नहीं करना चाहता था, मीन्स अपनी बेटी का वो विरोध नहीं करना चाहता था. फिर वो बोलती है कि ये सारी उनकी गलती है, ऐसा कहने के बाद वो कंटिन्यू करने लग जाती है. बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर. और फिर आगे ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी ह्यूमन बींग, मीन्स ऐसा कोई इंसान जिसको हमने कहा हो कि आप हमारे घर में आइए, क्रिसमस की इवनिंग सेलिब्रेट कीजिए, मीन्स जितने भी हम क्रिसमस में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम जो भी जिस तरीके से चीयर अप करते हैं, इन्जॉय करते हैं, अगर हमने किसी को ऐसा प्रॉमिस किया है तो हम उनको ऐसे जाने नहीं दे सकते. You do preach worse than a parson, said the iron master. और ये सारी बात सुन के जो वो iron master रहता है, means वो जो उनका उसका father रहता है, वो कहता है कि तुम एक parson से भी बेहतर क्या करते हो, preach करते हो. parson means priest, means जो मंदिर के पुजारी होते हैं. okay? तो जो parson लोग होते हैं, जिस तरीके से वो धर्म की बातें बताते हैं, तुम उनसे भी अच्छे क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों को preach कर रहे हो. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे सिर्फ इसी बात का होप है, इसी बात की उम्मीद है कि तुम इन सब से, मतलब अपने डिसीजन से रिग्रेट नहीं होगी, तुमको अपने डिसीजन से कोई खेद नहीं होगा. ये सुनने के बाद जो वो यंग गर्ल रहती है, उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उनको टेबल की तरफ ले जाती है. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. Okay, उसके बाद वो उसको टेबल की ओर ले जाती है और कहती है कि अब आप बैठ जाइए और खाइए जो भी कुछ उसके फादर ने उनको दिया हुआ रहता है. The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. और वो जो रेड ट्रैप रहता है वो कुछ भी, एक शब्द भी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठ जाता है और क्या करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो जो वैगेबॉन्ड रहता है, हर टाइम के बाद, मीन्स हर थोड़ी देर के बाद, वो ये सोचने लग जाता है कि जो वो यंग गर्ल है वो बीच में ऐसा क्यों बोली, उसने ऐसा क्यों किया और ये कैसा क्रेजी आइडिया है उसका. After that Christmas Eve at Ramzo passed just as it always had. The stranger didn't cause any trouble because he did nothing but sleep. और जो इन सब बातों के बाद जो क्रिसमस का ईव रहता है वो हमेशा की तरह पास हो जाता है, गुजर जाता है,
वो जो स्ट्रेंजर रहता है, मीन्स जो वैगाबॉन्ड रहता है, उसको कोई भी ट्रॉबल, कोई भी मुसीबत नहीं आती. क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ किए ही नहीं रहता है, वो पूरे दिन सिर्फ सोते ही रहता है. द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. वो पूरे फॉरनून पे, मीन्स पूरे दोपहर में, गेस्ट रूम के एक सोफे पे सीधे सोते ही रहता है. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. और उसके बाद जो उन लोग रहते हैं, मीन्स जो फादर और डॉटर रहते हैं, वो उसको जगाने के लिए जाते हैं ताकि वो उनके क्रिसमस का फेयर, मीन्स जो उनके क्रिसमस का भोजन होता है, उसको खिला सकें. फिर उसके बाद वो दोबारा से जा कर के फिर सो जाता है. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramzo. और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो कि काफ़ी सालों से उसने इतने आराम से और इतने शांति से कभी सोया ही नहीं है जिस तरीके से वो आज रैमजो पे सो रहा है. In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him, but after that he disappeared again. और उसी शाम की बात है, क्रिसमस ट्री को जब उन लोग क्या कर रहे थे, डेकोरेट किए थे क्रिसमस ट्री का, जब लाइट ऑन किए थे, उन लोगों ने उनको दोबारा से जगाया और वो कुछ देर के लिए उनके ड्राइंग रूम पे जाके खड़े तो हुए, पर ऐसा लग रहा था कि जो वहाँ पे कैंडल लाइट जो जल रही थी उसके वजह से उनकी आँखों में ब्लिंकिंग आ रही थी, कुछ झपकियाँ आ रही थी, या बोल सकते हैं कुछ चुभन हो रहा था. उसके बाद फिर से वो वहाँ से डिसअपीयर हो गया, मीन्स वहाँ से फिर गायब हो गए. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके 2 घंटे के बाद वापस से उन लोगों ने उनको फिर से जगाया. कितना सो रहा है ये. ओके, तो उसके 2 घंटे के बाद उन लोगों ने उनको फिर से जगाया. देन उसके बाद उन लोगों ने डाइनिंग रूम पे लेके गए उनको ताकि वो उनका डिनर ले सके. तो उन्होंने क्रिसमस के लिए जो क्रिसमस फीस और पॉरिज बना हुआ था वो ईट किया. एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He didn't have to return it. और उसके बाद वो टेबल के पास गया और वहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे. उसमें से एक गिफ्ट उसने ले लिया और थैंक यू कहा और फिर उसने गुड नाइट कह दिया. देन उसके बाद जब वो यंग गर्ल रहती है, वो जाती है और उनको समझाती है कि जो कोट आप पहने हुए हैं वो मेरे फादर की तरफ से आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है जिसको आपको अब रिटर्न नहीं करना है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. देन वो जो उनकी डॉटर रहती है, मीन्स जो एडला रहती है, वो वैगेबॉन्ड से कहती है कि अगर आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव, मीन्स आने वाला नेक्स्ट ईयर का जो क्रिसमस होगा, उसको वापस से हमारे साथ सेलिब्रेट करने चाहते हैं तो आप हमारे घर ज़रूर आइएगा. हम आपका दोबारा से फिर से स्वागत करेंगे. कोई भी आपको यहाँ से भगाएगा नहीं. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर एनी थिंग टू दिस. और जो वो रेड ट्रैप वाला मैन रहता है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो सिर्फ उस यंग गर्ल को, एडला को, बहुत ही आश्चर्यजनक नज़रों से देखने लग जाता है कि एक्चुअल में ये एडला ऐसा सब कुछ क्यों बोल रही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अब अगली सुबह हो जाती है, जो आयरन मास्टर और उनकी बेटी रहती है वो गुड सीज़न में, मतलब टाइमली, ओके, टाइम से सुबह उठ जाते हैं और अब उनको क्रिसमस सर्विस पे, मतलब अब चर्च पे जाना होता है. देयर गेस्ट वॉज स्टिल एज लीप एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम. और जो उनके गेस्ट रहते हैं, मतलब हमारे वैगेबॉन्ड, वो अभी भी सोते ही रहते हैं और उन दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए उनको वो जगाते नहीं हैं.
When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और लगभग से 10 बजे 10 ओ क्लॉक जब उन लोग वापस चर्च से वापस घर की ओर जाते रहते हैं तो वो जो यंग गर्ल रहती है मीन्स जो एडलर रहती है वो बहुत ही डिजेक्टेडली मीन्स फीलिंग सैड बहुत ही उदासी से अपने सर को नीचे झुका लेती है. एट चर्च सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. और वो सैड क्यों हो जाती है क्योंकि उसने चर्च में ये पढ़ा था ये सुना था कि कोई एक ओल्ड क्रॉप्टर थे जिनका किसी बोल सकते हैं ये यस एग्जैक्टली सेलिंग रेड ट्रैप्स मीन्स जो रेड ट्रैप को सेल करते हैं ऐसे किसी इंसान ने उस ओल्ड क्रॉप्टर के घर में क्या कर लिया है चोरी कर लिया है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. फिर उसके father अब finally बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये वही इंसान है जिसको तुम घर पर छोड़ करके आ गए हो. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. फिर उसके father बोलते हैं कि मैं इसी बात से आश्चर्य हूँ कि अब हमारे घर में कितने silver spoon हैं means कितने चांदी के चम्मच हैं क्योंकि उसके father को अब ये tension होता है कि वो एक चोर भी है जिसको हम लोग अपने घर में छोड़ के आ गए हैं. अब उसको हम अपने घर में छोड़ के आ गए हैं तो maybe अब वो हमारे घर में भी चोरी कर सकता है. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जो उनका wagon रहता है मीन्स जो उनका कैरेज रहता है जो उनका गाड़ी रहता है उनके घर के ठीक बाहर अब वो रुक जाता है. जो आयरन मास्टर रहते हैं उस वैलेट से उस सेवक से पूछते हैं कि क्या वो स्ट्रेंजर वो अजनबी अभी भी यहाँ है मीन्स उनके घर पे है. He added that he had heard at church that the man was a thief. फिर वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने चर्च में सुना है कि जो मैन मीन्स जो वो पर्सन उनके घर में है वो एक थीफ है एक चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और ये क्वेश्चन सुन के जो वो valet रहते हैं वो आंसर करते हैं कि जो वो इंसान इस घर में था वो यहाँ से जा चुका है लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी ले करके नहीं गया. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmansion was to be kind enough to accept as a Christmas present. और इसके contrary में means इसके opposite में कह सकते हैं उसने एक छोटा सा little package छोड़ के गया है वो किसके लिए है Miss Adela Wilmansion means उनकी daughter के लिए है जो कि उसकी तरफ से Christmas present है. The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. और वो जो क्रिसमस प्रेजेंट छोड़े रहता है उसको वो यंग गर्ल मीन्स एडला ओपन करते रहती है और जब वो ओपन करती है तो ये पता चलता है कि वो इतने मीन्स बुरी तरीके से वो पैक किए रहता है कि जो वो गिफ्ट रहता है उस पैकिंग के बाहर से नज़र आने लगता है तो एडला खुशी से रोने लग जाती है. She found a small red trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट क्या रहता है एग्जैक्टली एक छोटा सा रेड ट्रैप रहता है और उस रेड ट्रैप पे 10 kroner notes रहते हैं वही नोट जो उसने स्टील कर लिए थे चोरी कर लिए थे. तो उसने उस रेड ट्रैप में क्या किया था उस 10 kroner नोट को लगा दिया था. But that was not all. In the red trap lay also a letter written in large jagged characters, honored and noble miss. और उस red trap में सिर्फ वो 10 kroner note ही नहीं रहते उसके साथ साथ एक letter भी रहता है जो बहुत ही large jagged characters means टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े जैसे भी letter में वो लिखे रहता है और वो letter किसके लिए रहता है exactly उस एडला के लिए रहता है. रीड करते हैं वो letter में क्या लिखे रहते हैं. Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. Okay, फिर वो एडलेस ही कहता है लेटर में उसने लिखा है
ठीक है, कि आप मेरे साथ पूरे दिन, मीन्स जितने भी दिन वो वहाँ रहा है, वो एडला उनके साथ बहुत अच्छे से रही है। फिर वो आगे ये भी लिखते हैं कि अगर मैं एक कैप्टन रहता तो तुम मेरे साथ जितने अच्छे से रहती तो उतने अच्छे से तुम मेरे साथ थी। और इन रिटर्न, रिटर्न में वो कहते हैं कि अगर वो एक रियल कैप्टन होते, अगर वो एक रियल कैप्टन होते सो वो कभी भी चोरी नहीं करते, फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड। ठीक है, अगर वो एक रियल कैप्टन होते तो कभी भी वो क्रिसमस ईव पे एडला को एम्बेरसिंग मीन शर्मिंदगी महसूस नहीं कराते एक चोर बन करके। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वंडरर्स। फिर वो कहते हैं कि वो जो मनी है उसको आप वापस कर दीजिएगा उस ओल्ड मैन को जो कि रोड साइड पर रहते हैं, जिन्होंने अपने एक पाउच पे, मनी पाउच पे अपने विंडो के पास उस 10 क्रोनर नोट को उसमें डाल के रखा हुआ था, जो कि हम जैसे पुअर वेंडरर्स के लिए क्या है, हम जैसे गरीबों के लिए वो एक बैट है, एक लालच है। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस होल रैट ट्रैप। फिर वो कहता है कि ये जो रैट ट्रैप है वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट है उनके लिए किसकी तरफ से, एक रैट की तरफ से। मतलब वो खुद को एक चूहा कह रहे हैं ना, कि वो जो एक रैट ट्रैप है आपके लिए वो क्रिसमस का प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, जो कि इस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप में क्या हो गया है, फंस गया है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और अगर उसको रेज नहीं किया रहता, मतलब उनको जैसे कैप्टन को ट्रीट मिलता, अगर वो ट्रीट वैगेबॉन्ड को नहीं मिलता एज अ कैप्टन, तो शायद वो इस, बोल सकते हैं, इस बैट से, इस लालच से बाहर ही नहीं आ पाते और इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में वो फंस के ही रह जाते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया? फिर वो नीचे में लिखते हैं, रिटर्न विद फ्रेंडशिप हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। ओके, फिर वो ये लेटर को कंप्लीट करते हैं और बताते हैं कि ये जो उन्होंने रेड ट्रैप दिया था और उसके साथ साथ वो जो 10 क्रोनर अटैच कर दिया था, एक्चुअल में वो उसको रिटर्न करने के लिए दिया था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स एक्चुअल में हमको एक मैसेज देता है कि रियल में ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक्चुअल में क्या है, एक रेड ट्रैप है।